सब्सक्राइब कीजिए क्रिकेट विद विजय चैनल को एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट क्रिकेट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का पॉइंट टेबल अब और भी रोमांचक हो गया है, जहां पे हाल ही में इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच चल रही दो मैचों की टेस्ट सीरीज में पहला टेस्ट मैच इंग्लैंड ने शानदार तरीके से जीत लिया है और दो मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। तो दोस्तों, इस जीत के बाद इंग्लैंड की टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट टेबल में कौन सी पोजीशन पे है, उन्हें कितने पॉइंट्स मिले जीत के बाद और उनके कितने परसेंटेज है, साथ ही इंग्लैंड की टीम क्या फाइनल में क्वालिफाई कर सकेगी, उन सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो में आप बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा एंड अगर आप भी चाहते हैं कि टीम इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट टेबल में क्वालिफाई करे फाइनल के लिए, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा एंड चैनल पे नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि क्रिकेट और आईपीएल से जुड़ी ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज आपको हमारी चैनल पे सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज में पहला टेस्ट मैच 14 जनवरी से शुरू हुआ था, जहां पे पहले दिन टॉस जीत के श्रीलंका की टीम ने बल्लेबाजी करने का फैसला लिया था और 135 रन बना के ऑल आउट हो गई थी। सामने इंग्लैंड ने अपनी पहली इनिंग में 421 रन बनाए। जब श्रीलंका की दूसरी इनिंग की बारी आई तो श्रीलंका 359 रन बना के ऑल आउट हो गई। तो दोस्तों, अब इंग्लैंड को पहला टेस्ट मैच जीतने के 74 रनों का टारगेट मिला था और इंग्लैंड की टीम ने 3 विकेट खोके 76 रन बनाए और पहले टेस्ट मैच को जीत लिया। अब दोस्तों, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट टेबल की बात करें तो इंग्लैंड की टीम के पहले 292 पॉइंट्स थे और 60% थे, लेकिन श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में जीत के बाद 392 पॉइंट्स हो गए हैं इंग्लैंड की टीम के और 65% हो गए। हालांकि इंग्लैंड की टीम जीत के बावजूद भी पॉइंट टेबल में 4th नंबर पर ही बरकरार है, क्योंकि उनके आगे पॉइंट टेबल में 3rd नंबर पे है न्यूजीलैंड की टीम, जिनके 420 पॉइंट्स है और 70% है। बात करें दूसरे नंबर की तो दूसरे नंबर पे है टीम इंडिया, जिनके 400 पॉइंट्स है और 70.2% है। उन्हीं के साथ पॉइंट टेबल में पहले नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया की टीम, जिनके अभी 332 पॉइंट्स है और 73.8% है। तो दोस्तों, ये था वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का पॉइंट टेबल इंग्लैंड की जीत के बाद। अब दोस्तों, यहाँ पे इंग्लैंड को आगे 5 टेस्ट मैच खेलने हैं और अगर उन्हें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में क्वालिफाई करना है तो उन्हें आने वाले 5 टेस्ट मैच जीतने होंगे या फिर 4 जीत के 1 ड्रॉ करना होगा। तो दोस्तों, इंग्लैंड का रास्ता अभी भी बहुत ही मुश्किल है फाइनल में क्वालिफाई करने के लिए और हाल ही में ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के खिलाफ 4 मैचों की टेस्ट सीरीज में से 4th टेस्ट मैच खेला जा रहा है, जहाँ पे उस टेस्ट मैच का रिजल्ट आते ही तुरंत मैं आपको वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट टेबल का अपडेट दे दूंगा। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।